ये इसकी मैनेटी होगी, ये देखें, ये इसकी वैनिटी होगी, ये मिरर, ये डबल वैनिटी, और ये सेंसर वाली है। नीचे देख रहे हैं ये सेंसर का सामान, सारा सामान फिटिंग हुआ है। तो ये ऊपर ग्रेनाइट है, ये देख रहे हैं। और इसके सामने भी ये जो टक्कर है ना, ये भी हमने स्टेनलेस स्टील की टक्कर लगवाई है। इसमें टायल पत्थर कोई चीज ठहरती नहीं है। ये स्टेनलेस स्टील की टक्कर लगा के ये देखे पेचों के साथ इसको टाइट कर दिया, ठीक हो गया। ये टक्करें भी ये देखे, ये भी ग्रेनाइट है। जो वैनिटी के ऊपर लगाया वही इसका, तो माशाल्लाह खूबसूरत स्टाइलिश और यूनिक वैनिटी डिजाइन है। ये वैनिटी ऊपर पाकिस्तानी ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है, पाकिस्तानी ग्रेनाइट, ठीक होगा। ये कंक्रीट की स्लैब बनी हुई है। एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसकी डिटेल बताता हूँ। ये देखें, ये सामने हमारा मेस का हाल है, उसके लिए ये वैनिटी है, ठीक है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, 6 कनाल की ऑफिस है, ठीक है। उसके लिए ये मेस का हाल है और ये वैनिटी उसके लिए बनाई हुई है। ये देखें, ये ऊपर पाकिस्तानी ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये पोटा की वैनिटी है जो ऊपर ग्रेनाइट के ऊपर फिक्स होती है, सिलिकॉन के साथ ऊपर फिक्स हुई है। और ये सेंसर वाली टूटियां हैं, ये देख रहे हैं आप, सेंसर वाली। अभी इसका कनेक्शन नहीं किया ना, तो हाथ नीचे करेंगे खुद ब खुद पानी आ जाएगा। ये भी हमने खुद इधर तैयार कराई हुई, यानी कि बनी बनाई नहीं ली, इधर ही खुद तैयार करवाई है। खुद तैयार करवाने का फायदा ये है, आपके आपने तकरीबन 100-150 तैयार करवानी है, तो आपको मार्केट रेट से तकरीबन 50% ये खुद तैयार करेंगे तो सस्ती पड़ेंगे। ये देखें, ठीक होगा। ये कंक्रीट की है, ये कंक्रीट नीचे देख रहे हैं आप, ये कंक्रीट की बनी हुई, ऊपर ये टक्कर पे हमने स्टेनलेस स्टील लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं पूरी टक्कर पे स्टेनलेस स्टील, ठीक हो गया। ये इस पे पाकिस्तानी ग्रेनाइट में एक सिल्वर का दाना आता है, आपको महसूस हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, उसके साथ हमने मैच करके ये स्टेनलेस स्टील लगवा दिया, इसके पेच लगवा दिया ताकि इधर टैल लगाएं चाहे ग्रेनाइट लगवाएं ये गिर जाती है। तकरीबन 1-2 साल के बाद इसका हाल बुरा हो जाता। दोस्तों ये देखें, ये वैनिटी है, कैमरा मैन इसका व्यू एक दफा दिखाएं। ये वैनिटी है, ये 4 वैनिटियां एक साथ लगी हुई है, ये कंक्रीट की वैनिटी बनी हुई है, ठीक होगा। ये कंक्रीट की वैनिटी बनी हुई है, 4 वैनिटियां एक साथ लगी हुई है। ये सेंसर सिस्टम है, ये मार्बल के ऊपर लगने वाली वैनिटी है। सामने स्टेनलेस स्टील की चादर लगी हुई है, क्योंकि हमारा 10-12 साल का तजुर्बा, यहाँ पर मार्बल टैल नहीं ठहरती, 1-2 साल के बाद गिर जाती है, ठीक हो गया। तो ये स्टेनलेस स्टील की चादर हमने लगवाई हुई। ये देखिए दोस्तों, ये पिलर, ये बहुत खूबसूरती के लिए है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको यूनिक बनाने में इसका अहम हाथ है। ये इसके ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है, साथ में 1 इंची की पट्टी टच करके, ठीक हो गया, एटमी के साथ तो उसको पॉलिश करा रहा हो। ये देखें, ये भी ऐसे है, इसमें अगर आप चाहें तो एक लाइट रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो लाइट नहीं लगे। हमें लाइट की जरूरत नहीं थी तो हमने लाइट नहीं लगवाई, ना तो इधर लाइट एक रख सकते हैं। तो ये जगह जो कुछ इसमें स्लैब वगैरह डालना चाहे वो भी, ये जगह काम करना चाहे तो वो भी हो सकती है। ये जगह काम है, यानी कि 3-3 इंच की ये जगह, या 4-4 इंच की बनाकर हमारे लिए 7 इंच और 7 इंच इधर है, ठीक हो गया। 4-4 इंच बना के ये ऊपर ग्रेनाइट के ये पीस लगा के बीच में सर्फ वगैरह भी आप डाल सकते हैं। दूसरी बात, ये मेंटी का एक डिजाइन देखें, बहुत ही यूनिक डिजाइन है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कैमरा मैन वो साइड वाले व्यू दिखाए, ये देखें बहुत ही पसंद आया होगा आपको। ये देखें, ये भी सेम है, कैमरा पीछे जाए इसका पीछे से एक व्यू दिखाएं, ये देखें
मेहनत करते हैं, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये कमर्शियल बिल्डिंग की वारंटी है, जहाँ पे 5-6 वॉशरूम हो तो उसको अगर ज्यादा फंदे आएंगे तो उसके लिए ये बड़ी वारंटी है। 4 वारंटियां लगी हुई है कमर्शियल बिल्डिंग की। अगर घर में आप बनाना चाहते हैं तो आप छोटी जहां तक भी बना सकते हैं, आप अपनी जगह का हिसाब लगा के बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो